सात श्लोक की दुर्गा सप्तशती रोजाना पढ़े या सुने, होंगे बड़े अति चमत्कारी लाभ। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री आपको आज बताने जा रहे हैं कि सप्तश्लोकी जो दुर्गा सप्तशती है, अर्थात सात श्लोकों में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का सार समाया हुआ है। यदि कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रतिदिन इसको सुनता है या फिर पढ़ता है तो उसके जीवन में कई प्रकार के चमत्कार उसको देखने को मिलते हैं। उसके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं। वह यदि शिक्षा में उन्नति करना चाहता है, रोजगार प्राप्त करना चाहता है, विवाह करना चाहता है या फिर संतान संबंधी कोई समस्या है, व्यापार रोजगार की प्राप्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या धन प्राप्ति में किसी प्रकार का कोई संकट आ रहा है या फिर शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है, रोगों से परेशान है या कोई और अन्य जीवन में उसके समस्याएँ हैं, वो सारी समस्याएँ भक्त की समाप्त हो जाएगी। लेकिन श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। जो भी इसको ध्यान लगा करके, मन लगा करके सुनता है, निश्चित तौर से माँ जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती की अद्भुत और दुर्लभ कृपा होती है। तो तीनों देवियों की यदि आप कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो इसे मन लगा करके जरूर रोज सुनिएगा। और संभव हो सके तो इसको तीन समय सुनना चाहिए, दो सुबह, दोपहर में और सायंकाल के समय। जो कोई भी तीन समय इसको पढ़ता है या सुनता है उसकी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है। तो सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती इस प्रकार रहेगी। आप ध्यान लगा करके, मन लगा करके पूरी सुनिएगा और अंत तक अवश्य सुनिएगा, बीच में इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि है तो यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करे। देव्योवाच, शृणु देव प्रवक्षामि कलो सर्वेष्ट साधनम मया तवेव स्नेहे नाप्यम वास्तुतिः प्रकाश्यते। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं आपको बताऊंगी। सुनो, उसका नाम है अम्बास्तुति। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि है, अनुष्टुप छंद है श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती इसके जो है देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ओम ज्ञानिनापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। हे भगवती महामाया, देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति वशेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मति मति वशुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भय हरणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए ही सदा ही दयामयी रहता है। ऐसी दयामयी हे जगदम्बे, आपको हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, हे जगदम्बा, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी देवी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं।
शरणागति दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवे दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, आपको हम बारंबार नमस्कार और प्रणाम करते हैं। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता यास्त्रयतां प्रयन्ति। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मन वांछित सभी कामनाओं का नाश भी कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो कभी आती ही नहीं है। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यश्चाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद् वैरी विनाशनम। हे सर्वेश्वरी, आप इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हमारे घर में धन धान्य की परिपूर्णता रहे, आपकी सदैव कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इसी प्रकार हे माँ जगदम्बे, हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, जगत जननी जगदम्बिका, आपकी सदैव कृपा सदैव सभी भक्तों के ऊपर कल्याण रूप से बनी रहे। इसी प्रकार हम सब भक्त आपको नमन करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे जगदम्बा, इसी प्रकार आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। बोलिए जगदम्बे मात की जय। मित्रों, हमने आपको सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती का यह पाठ सुनाया है। 7 श्लोकों वाली श्री दुर्गा सप्तशती का जो कोई भी मनुष्य श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ और संपूर्ण भावना के साथ में पाठ करता है या फिर प्रतिदिन त्रिकाल समय में सुनता है, सुबह, दोपहर और सायंकाल में श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, भक्ति के साथ सुनता है, तो निश्चित तौर से उसकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है और उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, यह ज्ञानवर्धक जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।